फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और उत्तराखंड की अनप्लान राइड अच्छी रही 4 दिन के लिए, बट आज का ये जो वीडियो है टूर के बारे में नहीं है, मेरे डेविल के लिए है। और पिछले 3.5 साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं और ऑलमोस्ट नॉर्थ टेरन, लद्दाख, स्पीति और लोंगेवाला, उत्तराखंड सब जगह घूम चुकी है। तो आज छोटा सा एक रिव्यू देंगे, प्रैक्टिकल रिव्यू, टेक्निकल नहीं, क्योंकि टेक्निकल तो सबको मालूम है। आप ब्रोशर ले लेंगे ना तो भी आपको समझ आ जाएगा कितना सीसी है, क्या देती है, जो इंडियन को चाहिए। देती तो तीसी है, तीसी देती है ना अपनी बाइक तो, कि कम देती है, ज़्यादा देती है नहीं, 30 किलोमीटर एवरेज देती है पहाड़ों में, तो एक अच्छी बात है। और ऑलमोस्ट 32,380 किलोमीटर हो चुका है और ज़्यादातर पहाड़ों में घूमी है। 32,000 में से ऑलमोस्ट 22,000 से 24,000 पहाड़ों में घूमी है, बट आज तक कोई मेजर फॉल्ट नहीं आया। पिकअप सुपर, ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर द माउंटेन राइडिंग। और कंपेयर टू अदर बाइक्स, जावा भी कल चलाई शायद, हाँ कल मैंने जावा चलाई एक बार, और संदीप भाई की वल्कन है ना, वल्कन भी चलाई हुई हमने, बट वो जो क्रूज बाइक है या फिर स्पोर्ट्स बाइक है उसके मुकाबले एक रॉयल फील आता है, यू नो, रॉयल फील आता है। बाकी बात रही इंजन की, सुपर परफॉर्मेंस, हीट पकड़ लेती है जब ऑयल थोड़ा सा कम होता है, अदरवाइज ऐसा कोई इश्यू आता नहीं, ठीक है। जो एक मेन प्रॉब्लम है इसका क्लच वायर, इसकी एक नेगेटिव बात है एनफील्ड की क्लच वायर, तो आप कभी भी राइडिंग पे निकलो तो एक्स्ट्रा क्लच वायर, एक्स्ट्रा एक्सीलेटर वायर बिना भूले ले जाना, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने ही वाला है। बाकी तो रही खूबसूरती, अनकॉम्प्रोमाइज, मेरा तो दिल खुश हो गया यार। जब लॉन्ग रन में चलते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है राइडिंग में, क्योंकि हम लोग अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, तो पहाड़ी में पहुंचने के लिए हमें ऑलमोस्ट 2 दिन चाहिए, तो 2 दिन में हर बार ऑलमोस्ट हमें 1200 से 1500 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर करना पड़ता है। बट ऑन हाईवे मक्खन की तरह चलती है, मक्खन की तरह हाईवे के साथ चिपक के चलती है, तो ऐसा कोई डर लगता नहीं है। हाँ, बट आप पल्सर या फिर और कोई भी स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं तो एकदम स्पीड से चलती है, तो कभी कभार डर लग सकता है, ठीक है। अतुल और बता कुछ तेरा एक्सपीरियंस इसके बारे में। सही है, आपने बताया सब सही है भाई, ऐसा थोड़ी होता है यार, तू भी तो चलाता है इतने सालों से मेरे साथ। सही है, बहुत बढ़िया है एक्सपीरियंस मेरा भी। बस यही तक था मेरी डेविल, रेड डेविल के बारे में, और ऐसे ही साथ देती रहे और आने वाली जिंदगी में ऐसे ही हम घूमते रहे। बिजनेस तो करते ही हम भी यार, बट घूमने आप भी निकला करो, जिंदगी ना यही है, ठीक है। बाकी तो पैसा है, पैसा हाय, पैसा हाय, पैसा हाय, पैसा, फिर कोरोना भी तो है, कोरोना भी तो है साला, कोरोना हो गया होता तो 1,00,000 रुपया साला कौन देता, हाँ सही, 8-8, 10-10 लाख रुपये ले लिए हॉस्पिटल वालों ने, वहां पे क्या होता फिर। चलो ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और आपका प्यार ऐसे ही देते रहे हमें। और तू ये उल्टा सिल्टा क्या कर रहा है बे? कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, नया ट्राई कर रहा है, ठीक है, थैंक यू। Thank you.